माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को अब नोटिस जारी कर दिया है। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर जेल में बंद है, लेकिन ऐसे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो सीबीआई के द्वारा मांगी गई थी, अब कहीं ना कहीं वो सीबीआई के ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ ने की है। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी व रिमांड के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीएम के अधिवक्ता यानी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पहला बिंदु गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या है। ऐसे में जून में सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि सीबीआई एफआईआर अगस्त 2022 की है। वही सीबीआई ने केजरीवाल को अप्रैल 2023 में बुलाया था और 9 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। सिंघवी ने आगे ये भी कहा कि वर्ष 2022 में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और 2023 अप्रैल में पूछताछ की गई। अब जून 2024 में गिरफ्तारी क्यों हो रही है, अब इस पर कई तरीके के सवाल उठने चालू हो गए। आपको बता दें, ऐसे में गिरफ्तारी की जो तत्कालीनता है उसको देखकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने बोला, अब गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है, एजेंसी को गिरफ्तारी का कोई कारण या आधार होना चाहिए। सिंघवी ने आगे ये भी तर्क दिया कि गिरफ्तारी मेमो में कुछ कारण होने चाहिए। ऐसे में केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। गिरफ्तारी मेमो उल्लेखनीय है, जिसमें क्यों कैसे किस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या आप गिरफ्तारी को रद्द करने और हिरासत से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। सिंघवी ने हां में जवाब दिया और कहा कि अदालत से जब उनसे पूछा गया कि केजरीवाल की जमानत याचिका दायर की गई है या नहीं, इस पर सिंघवी ने कहा कि अभी नहीं, लेकिन हम फाइल जरूर करेंगे और हम फाइल करने के हकदार भी है। मैं आपको अनौपचारिक रूप से बता सकता हूँ कि हम जमानत के लिए याचिका दायर करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी दायर नहीं किया गया है। वहीं अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी कर सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अब अगली सुनवाई 17 जुलाई को होने वाली है। वैसे भी क्या अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरीके की राहत मिल पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बात को लेकर जो अदालत ने सीबीआई की तरफ एक सख्त रुख अपनाया है, माना ही जा रहा है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरीके की राहत मिलती हुई नजर आए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो राहें हैं वो आसान हो जाएगी। दिल्ली की सत्ता पर जो भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर खड़ी थी, आज वो कहीं ना कहीं उसके करीब आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़।